नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल पुरुष को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्यों की अज्ञानता है, जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लड़की का जन्म उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य का काम किए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देने के लिए चुनाव करते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके कारण व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनता है। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसी कई बात बताएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य होता है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य कार्य किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती है जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती हैं। अर्जुन, लेकिन जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपनी पूरी कर्तव्य का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहु परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंड दान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वही वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाएं और पढ़ाई में पैसे खर्च किए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन यह सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपने बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वो खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनानी चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का महत्व नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या घोर रूप में महाकाली, नारी सर्वस्व पूजी गई हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं, यह बात इतिहास में भी मिलता है।
वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राज कार्य में सहयोग करती थी। ये गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी। द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। मित्रों, रामायण में जब भगवान शिव धनुष को तोड़ते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए जब जनक जी मना करते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, तब दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हुए क्योंकि आप दाता हैं और मैं याचक। हाँ दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे तभी पिता को मुक्ति मिलती है। परंतु एक लड़की के पिता जब उसे अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपने उस बेटी को प्यार दें जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया है। मित्रों, एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम मस्त है और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में तो दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है, मैं धन्य हूं, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह बातें सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। मित्रों, भगवान केवल उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूं और माता वैष्णो के दरवाजे तक ले चलता हूं। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो बाहर के बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सदा ही पुण्य करता है और दान धर्म करता है उसी को अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री रूप में प्राप्त होती है। यदि आपकी कोई बेटी नहीं है तो आप किसी सगे संबंधी या किसी गरीब की बेटी को पढ़ाने मदद कर सकते हैं और उसके विवाह करवा सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से पुण्य का फल मिलता है। मित्रों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने से बेटी पैदा होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।